हेलो, गुड मॉर्निंग बंधुरा, कैसे हो आप सब। देखो गाइस, आज है 5 दिसंबर, ठीक है। मेरे बाइक का ईएमआई का दिन है, तो आज तो भाई थोड़ी बहुत जुगाड़ करनी पड़ेगी। किधर गया भाई? हाँ तो भैया, हम उबेर लॉगिन कर चुके हैं 7:58 पे, और अभी हो रही है 7:22। मार्केट में तो रेड रेड अभी से पड़ी हुई है, बाकी राइड आने के बाद ही पता चलेगा। टोटल से रिलेटेड आप लोगों को थोड़ी जानकारी देनी थी। 2 अपडेट आया हुआ है, बट वो हर एक के अकाउंट पर नहीं है, ठीक है। मुझे कॉल आया था, वो मैनुअली अपडेट है, तो अपडेट क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। चलो पहली राइड का हम वेट कर लेते हैं। मल्लिक बाजार की राइड आ गई, 150 रुपये दे रहा है 17.5 किलोमीटर। चलो अभी आ गया है तो भाई ले लेता हूँ, क्योंकि ना नहीं करते आए हुए चीज़ों को। लेकिन मल्लिक बाजार अभी जाना गाइस बहुत बहुत नुकसानदायक है, बट क्योंकि राइड पहली थी तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 16 किलोमीटर कितना दिखा रहा था भाई। ये कहाँ पर बंदा है? अच्छा, पास में ही खड़ा है। चलो ₹300 पिकअप इन देवांश है ना। नहीं लिया। कितना बोले? 7352। ऐसे नहीं, सीधे करना। चलो खुल गया, खुल गया। कैसे ऑनलाइन? कैसे ऑनलाइन? अरे यार, चेंज भी तो नहीं है भाई हमारे पास। 30 रुपये। भारी मिस्टेक हो गई गाइस। ये देखो कैमरा ऑन ही था मेरा, 151 हुआ, बट भाई को मैं मात्र 30 रुपये ही रिटर्न दे पाया 200 रुपये में, क्योंकि चेंज हमारे पास था नहीं। अब उसको भी भाई गेट बंद ना हो जाए वो भी टेंशन बनी थी। पूरा रास्ता भाई कैमरा ऑन ही था। 165 रुपये मिला इस राइड का, ठीक है। डिस्टेंस हमने वही कुछ 16 किलोमीटर ट्रैवल किया, यही होता है भाई। 8 बजे अगर राइड हो जाती है ना, 13.5 किलोमीटर राइड अगर 8 बजे के बीच में होती है ना, मतलब 7 और 8 के बीच में, तो आपको एवरेज पैसा मिल जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं। देख लो गाइस, हल्की हल्की बारिश आज भी दे रही है। आज का भी वेदर सेम कल की तरह ही है। देखो बारिश हो रही है, देखो भाई राइड मिल जाए जल्दी से। पोटर की आ गई भाई लगता है। हाँ
पीका पेलगिन से सेक्टर वन में करने से 27 रुपये की। चलो चलो बहुत बढ़िया। पोटर की एक अपडेट देने वाला हूँ, अभी ये राइड करने से हमें तो ऐसे कोई फ़ायदा है नहीं, वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा भाई। ठीक है चलो हम पहले पिक करते हैं। बताओ यार लोकेशन पे आया, ऑर्डर कैंसिल मार दिया कस्टमर ने, ये क्या बात हुई यार, अभी फ़ोन करता हूँ। चलो एक्चुअली लगता है उनका पार्सल जो है ना रेडी नहीं हुआ था, इसी कारण से उन्होंने कैंसिल मारा, अदरवाइज चलो हम तो आ गए थे यार ये 56 बॉक्स के पास, बताओ। चलो कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट राइड को। चलो यार बड़ी मुश्किल से मिला है इन ड्राइवर में राइड, 70 रुपये का। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ये रूबी के साइड में ड्रॉप करना है, तो चलो। हाँ रितेश के नाम से। वो बेल्ट लगा लीजिए नहीं तो खुल जाएगा। किधर है पैर? ऊपर रख लीजिए, आप थोड़ा अंदर कीजिए पैर, अंदर कीजिए अंदर कीजिए। हाँ इधर वाला भी देख लीजिए, हाँ इधर ठीक है। चलो चलो गाइस, 70 की हमारी राइड हो गई कंप्लीट, एंड यहाँ पे मैं उबेर को कर रहा हूँ लॉग इन। देखो यार कैमरे की बैटरी डाउन हो गई, फर्स्ट राइड में मेरा पूरा कैमरा ऑन रह गया था जिसके कारण बैटरी डाउन हो गई भाई। चलो कोई नहीं, अभी मैं आप लोग को पोर्टर का अपडेट बता देता हूँ। पोर्टर में क्या अपडेट है ना, ये ऑफिशियली अपडेट नहीं है, ये सिटी वाइज अपडेट है, ये ऑफिस की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है, अपडेट ये है कि आप लोग को अगर कॉल किया होगा, ये सभी को ऑफ़र नहीं मिला है, ठीक है, लिमिटेड को ही। आप लोग को भी कॉल अगर आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, बाकी ट्राई करके देख लेना, अगर होगा तो काम करो। देखो दो ऑफ़र है, पहला ऑफ़र ये है कि आपको 7 घंटे लॉगिन करना है डेली MG, ठीक है, 7 घंटे, कोई मिनिमम ऑर्डर नहीं, इसमें आपको 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है, डेली MG ये 7 घंटे लॉगिन करना है 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक में। इसमें से कोई कैंसिल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, आपके तरफ से कोई कैंसिल नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्डर स्किप नहीं होना चाहिए, कोई मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है फंडा। और दूसरा का भी टाइमिंग सेम है, इसमें क्या है 5 ऑर्डर मिनिमम आपको करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको 300 रुपये इंसेंटिव मिलेंगे, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट डे आपके पोर्टर ऐप में शो हो जाएगा। ये मैनुअली है, आपको एप्लीकेशन में शो नहीं होगा, ये मैनुअली आपको मिल जाएगा, बस आप काम करो, ठीक है, आपके तरफ से कोई भी तरह का ऑर्डर कैंसिल वैंसिल नहीं होना चाहिए। चलो यही अपडेट था, क्योंकि कैमरा की बैटरी भाई डाउन है तो इसलिए अपडेट देना सबसे पहले ज़रूरी है ना। चलो हम राइड का वेट करते हैं। चलो गाइस इन ड्राइवर में 90 रुपये में मिल गई भाई, पिकनिक गार्डन से उठाना है, सेक्टर 5 में ड्रॉप करना है। चलो 1.2 पिकअप है, अंजलि ना, अंजलि के नाम से। ये लीजिए,
चलो गाइस हमारी 90 रुपीज़ की राइड हो गई कंप्लीट, डन डन डन। और भैया ने पे कर दिया, चलो ठीक है। चलो गाइस हो गया डन डन डन। देख रो बारिश बहुत तेज हो रही है भाई, शॉर्ट लीग में यहाँ बहुत तेज हो रही बारिश। दुखद समाचार है गाइस, टाइम हो रहा है 12:15, ठीक है। हुआ क्या, वो सेक्टर 5 के बाद ना मेरे को राइड तो आ रही थी, बट ना चाहते हुए भी मैंने राइड को कैंसिल किया, मतलब छोड़ दिया। रीज़न है कि हमारा 4-व्हीलर ख़राब हो गया साइंस सिटी के पास। तो मैं फटाफट घर आया, रेडी वाटर होती है ना उसके, पानी वही लीक हो जा रही है, तो गाड़ी तो वहाँ से निकल नहीं पा रही है। तो हम और छोटा भाई दोनों जा रहे हैं भाई पानी लेकर के, ठीक है। 5 लीटर का जार में भर भर के लेके जा रहा हूँ, उससे क्या होगा रेडी वाटर में पानी कंटिन्यू जाते रहेगा, गाड़ी चलेगी फिर हम लोग निकल लेंगे, मतलब गाड़ी वहाँ से निकलेगी फिर आराम से भाई काम हो जाएगा। क्योंकि साइंस सिटी के पास कोई मैकेनिक वगैरह भी नहीं है और कोई आ करके भाई रिपेयर भी नहीं कर रहा, सबसे बड़ी लोचा यही है। जब तक गाड़ी लेके नहीं जाओगे मैकेनिक के दुकान पे तब तक ठीक होने वाली नहीं है। तो वही अभी हम जा रहे हैं, ठीक है। गाड़ी वहाँ पे 2 घंटे से फंसी हुई है हमारी, तो चलो जल्दी से जाते हैं। हेलो भाई साहब आ गए, देखें अभी क्या प्रॉब्लम है। हाँ वो दिखी गई यहाँ नहीं गिरेगी, गाड़ी पीछे जा रहा है। चलो चलते हैं मिस्त्री के पास। हाँ तो बाइक यहीं छोड़ी थी कि, गजब बोल रहे बंदे, बोल रहे बाइक चाहिएगा तो बाइक यहीं छोड़ दे क्या। चलो चलो पहुँचते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई साहब। मेरा मिस्त्री दिखाए तो होगा नहीं कुछ। हेलो गाइस फिर से पानी, देख रहे हो लोचा यही हो रही है, हर 1 किलोमीटर पे पानी भरना पड़ रहा है। पता चल गया गाइस वहाँ अंदर में एल्बो फट गई है, क्लियर हो गया। अब तो ये 3-4 घंटे का लफड़ा है क्योंकि तो सारा खोल करके पैसे लगेगा। चलो अभी हम लोग निकलते हैं, पापा काम करा लेंगे, गैरेज पहुंच चुका है। देख रहे हो शशि को इसका मुंह में हेलमेट कितना बड़ा लग रहा है, बोला फेस में हेलमेट कितना बड़ा लग रहा है। चलो भाई बैठो बैठो, तो
चलो हम तब तक आप लोग को अर्निंग बता देते हैं। गाली देखो, हम उस समय 44 किलोमीटर चलाए थे, ठीक है। और ये देखो भाई, उबेर में जो हमारी अर्निंग हुई थी, दिखा देता हूँ आप लोगों को। आ जा भाई, ज़्यादा आज हो ही नहीं पाया काम, 165 रुपये। और इन ड्राइवर में ₹160 बस। तो 165 प्लस 160, 325 की अर्निंग हमारी हुई थी। और 44 किलोमीटर गाड़ी चला, तो मतलब गाइस 88 का पेट्रोल कॉस्ट, ठीक है, 237 हमारा बचा। बस यही है आज की अर्निंग, ठीक। तो बस गाइस, यही अर्निंग अपडेट रही आज के। जिस दिन सोचता हूँ कि थोड़े से टान के काम कर लूँ, उस दिन भाई यही सब प्रॉब्लम होती रहती है। कुछ ना कुछ ऑलवेज आते ही रहता है प्रॉब्लम। चलो अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में, पापा ABS का वायर चेक करवाने गए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो कंफर्म हो जाए फिर हम लोग निकल जाएंगे इधर से। और सबसे बड़ी बात, आज मैं पोर्टर करने वाला था 10 बजे से 4 बजे तक, ठीक है, क्योंकि मेरे को 5 ट्रिप करना था एंड 300 का इंसेंटिव लेना था, वो भी आप लोग को दिखाना था। बट अपना लक इतना अच्छा नहीं है, बट कोई नहीं, कल ट्राई करेंगे, क्योंकि 7 दिन का ही टाइमिंग है ये 300 वाला इंसेंटिव, और 500 वाला जो इंसेंटिव है वो अभी 1 मंथ तक है, 31 दिसंबर तक। तो देखते हैं कौन सी कर पाता हूँ। ये देखो भाई जूडियो, अभी सोच रहा था जूडियो एक बार राउंड मार लूँ, फिर सोचा कि नहीं भाई अभी तो कुछ खरीदना है नहीं। चलो अभी हम निकलते हैं फटाफट से। ए भाई, चिना पार्क वाली जूडियो में जा चुका हूँ, उधर की थोड़ी सी अच्छी है। मतलब उस समय नया नया जब निकला था, मतलब ओपन हुआ था ना, तभी गया था, तो उस समय थोड़ी सी मटेरियल वगैरह कम था, माल वगैरह, तो अभी शायद भर चुका है। एक बार फिर से राउंड मारूंगा, थोड़े बहुत पैसे आ जाए। चलो अभी हम निकलते हैं फटाफट से यहाँ से। चलो गाइस, हम आ गए घर, और अर्निंग बता दिया, किलोमीटर बता दिया, एवरीथिंग सारा क्लियर कर दिया आप लोगों के साथ। देखो आप लोग, आप सोच रहे होगे कि मैं आज ये कार वाले क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मेरा तो ब्लॉगिंग होती है भाई अर्निंग से रिलेटेड, तो भाई ये थोड़ी बहुत दिखानी पड़ती है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है ना ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगा। अब कितना भाई अर्निंग देखोगे आप लोग, एक साल से तो देख ही रहे हो, एक साल नहीं हुआ है, हाँ ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है भाई, दिसंबर से स्टार्ट किया था हमने, तो चलो इसलिए दिखा रहा हूँ। अब धीरे धीरे ब्लॉगिंग भी शुरू करेंगे, है ना जी, थोड़ी बहुत चेंजेस आनी चाहिए लाइफ में, दैट्स द लाइफ। ओके चलो चलते हैं फटाफट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने बंदे लाइक ठोकना, एंड Safe drive, safe your life.